आज धानी की जान है खतरे में, ना सिर्फ धानी बल्कि कामिनी के बच्चे की जान भी खतरे में है, और खुद कामिनी ने ही अपने बच्चे को किडनैप करके उसके गले पर चाकू रख दिया है, और चाकू की नोक पर वो धानी को पहाड़ से कूद जाने के लिए मजबूर कर रही है। ये कामिनी विप्लव के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो अपने ही बच्चे को हथियार बनाकर विप्लव को पाना चाहती है। अथर्वा को कामिनी ने किडनैप कर लिया। कैसी माँ है यार, खुद के बच्चे को किडनैप करवा ली थी बार बार, लेकिन यहाँ पर मैं और विप्लव आए हैं अथर्वा को बचाने के लिए, और एक बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट सीक्वेंस होने वाला है कामिनी और धानी के बीच, जहाँ पर धानी मार नहीं खाएगी, कामिनी मार खाएगी इस बार। कामिनी अपने बच्चे की माँ नहीं बन पाई, लेकिन धानी इस बच्चे को बचाने के लिए कामिनी के इशारों पर पहाड़ से गिरने के लिए आगे ही आगे बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है बच्चा भले कामिनी का हो, लेकिन असली माँ तो धानी ही है। आखिरी पड़ाव में एक्चुअली मेरी जर्नी बहुत ही शॉर्ट रही, बट बहुत ही बेहतरीन रही, बिकॉज हमारा शो बिल्कुल ड्रॉप नहीं हुआ मेरे आने से। मुझे बहुत डर लग रहा था, बिकॉज ऑलरेडी कोई कर रहा था शो, तो ये बात की खुशी हुई कि मेरे आने से शो अच्छा लोगों ने पसंद किया, और एज अ कैरेक्टर मुझे अच्छा मुझे पसंद किया गया, तो फॉर मी आई हैव डन माय रिस्पांसिबिलिटी, और मुझे बहुत अच्छा लगा इस शो के लिए काम करने। धानी पहाड़ से गिरने ही वाली होती है कि अंत में विप्लव आकर उसे बचा लेता है, और कामिनी से उसके बच्चे को भी बचा लेता है। फिर क्या था, धानी ने कामिनी को धो डाला। ऐसा धोया है कि उस पर जो विप्लव के प्यार का रंग चढ़ा था वो सारा उतर ही गया होगा। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट।